सारा का सारा इन्फेक्शन था नहीं नहीं मैम जो तुमने काटा था. वी हैव नेवर सीन अ वर्स्ट सर्जरी इन द होल ऑफ इंडिया. नहीं नहीं मैम, इसमें ये डॉग हाइपर एक्टिव है, ऐसा नहीं है. हाइपर एक्टिव है, इसकी हिस्ट्री जी टूटे हुए हैं. इसकी हाइपर एक्टिव हो या ना हो, हाँ. आपने जो स्टिचेस लगाए एक नहीं दो दफा निकले. नहीं उसके भी आपने पैसे निकले लिए, दूसरी दफा भी आपने चार पुलिस राइट नाउ एंड पिक यू अप. नहीं उसके बाद मैम डॉक्टर नेहरू के पास भी गए थे. डॉक्टर नेहरू ने कहा इतना घटिया काम उन्होंने कभी देखा नहीं. नहीं तो डॉक्टर नेहरू ने भी तो दोबारा टांके लगाए हैं उसमें. हाँ दोबारा टांके लगाए हैं, बट हाँ. जो जब तक आपने बर्बाद कर दिया. नहीं मैम तक वो कुत्ता उसमें... डॉक्टर गुप्ता मैं आपको मैं... बोल रही हूँ आपको क्या करना है. यू विल पे ऑल द फीस फॉर दिस डॉग. डू यू अंडरस्टैंड दैट, यस और नो मैम? मैं देखिए आप मेरी बात नहीं सुनना चाहते मैम. आपने दो दफा उस कुत्ते पर ऑपरेट किया, दोनों दफा उसके इंटेस्टाइन्स निकले. नहीं मैम इसमें जो सूचर्स हैं, सूचर्स ब्रेक हो गए हैं, इन्फेक्शन की वजह से हुए हैं. सूचर्स घटिया चीप किस्म के सूचर्स तुमने इस्तेमाल किए. मैंने मैम उसमें सबको चीटिंग करते हो. नहीं नहीं बिक्रल उसमें यूज किए हैं मैम, उसमें बिक्रल है. विल जो दो दफा आपने किया, दो दफा वो सूचर्स खुले. मैम हाइपर एक्टिव डॉग है. डॉक्टर नेहरू ने भी रिपोर्ट किया है कि तुमने दो लेयर पर नहीं, द स्टिचेस वर नॉट ऑन थ्री लेयर्स, यू ओनली डिड द स्टिचेस ऑन टू लेयर्स अबाउट. नहीं 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 मैम, मैंने थ्री लेयर्स पे जो फर्स्ट है थ्री लेयर्स पे किया था. रिटर्न कमेंट मैक्स वेट्स ने भी लिखा है कि जिसने ओरिजिनल लिखा करा है उस आदमी को वेटनरी प्रोफेशन से निकालना चाहिए. मैम उसमें मैंने थ्री लेयर ही किया है. गुप्ता जो गलती होती है सो गलती होती. नहीं नहीं मैं मैम आपने अब अगर नई गलती मानोगे आई विल हैव योर लाइसेंस टेकन इन द नेक्स्ट वन मंथ. डू यू अंडरस्टैंड? यू विल नॉट बी अलाउड टू हैव अ क्लिनिक और एनीथिंग. द डॉग हैज कॉस्ट 70,000 रुपीज सो फार. यू विल पे दैट 70,000 रुपीज टू मैक्स वेट्स. डू यू अंडरस्टैंड मैम? इसमें जो आप हाँ या ना बोल रहे हैं जल्दी बोलिए. नहीं नहीं मैम देखिए जब आप मेरी नहीं, बात मतलब? नहीं सुनना चाहेंगे आप मेरी बात नहीं सुनना. मैंने आपकी बात सुन ली है. आपने ऑपरेशन किया, मैंने सारे के सारे तस्वीरें देखी हैं. नहीं ठीक है आपने देखा है. मैंने यहाँ तक कि डॉक्टर मिलिंद हेतिगर का मैंने एक फेसबुक पे भी डाला हुआ है, उन्होंने भी लिखा हुआ है कि जनरली क्या है कि ये डॉग लिकिंग की हैबिट होती है और जब लिकिंग करता है उस कंडीशन में इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, तो सूचर ओपन हो जाते हैं. मैम जनरली तुमने सूचर्स खुलवाए हैं तुम्हारी चीप और डर्टी सर्जरी के साथ. ये सारे सूचर्स खुले एक नहीं दो दफा. नहीं और आपने उसके ऊपर से 4,000 मांगा अगली दफा के लिए भी. इतने घटिया डॉक्टर हो कि नहीं, नहीं, तुम्हारी और फिर अगली दफा भी तुमने 4,000 रुपए मांगे. नहीं मैम उसके बाद मैंने जो मैंने उन्हें नहीं नहीं सारे हमारे पास सबूत है बखे जा रहे हो. नहीं नहीं मेरी बात कोई शरीफ डॉक्टर होता तो बोल देते कि हाँ गलती हो गई. अब आप बताइए आगे क्या करना है. अब देखिए मैम आप जनरली कहेंगे अगर आप देखेंगे ऐसा नहीं है. मैंने उन्हें उसमें एलिजाबेथ कॉलर भी दिया हुआ था, इंजेक्टेबल भी उन्हें दिए हुए थे, मैंने सब कुछ दिया हुआ. एलिजाबेथ कॉलर नहीं होता, एलिजाबेथन कॉलर होता. आपको तो प्रोनाउंस करना भी नहीं आता. ई कॉलर मैं मैडम मैं यूपी बोर्ड नहीं मैं मैडम मैडम मैं यूपी बोर्ड का हूँ. कि आपने उस कुत्ते को मरवा दिया. नहीं मैं यूपी बोर्ड का हूँ मैम, तो जनरली क्या है कि मेरा तो इंग्लिश है इस तरह का क्योंकि मैं यूपी बोर्ड का हूँ. मैं सीबीएसई बोर्ड का मैं यूपी बोर्ड का हूँ. इंग्लिश पर जी जब आपको वेटनरी सब्जेक्ट ही नहीं मालूम तो इंग्लिश पर क्यों जा रहे हो भाई? नहीं मैं तुमसे शादी करने के लिए तो फोन नहीं किया. नहीं मैं तो ई कॉलर कह रहा हूँ. ई कॉलर है कह रही हूँ. तुमने ई कॉलर डाला या डी कॉलर डाला? सवाल ये है कि वो स्टिचेस खुल गए एक नहीं दो दफा और दोनों दफा तुमने पैसे लिए. मैंने मैडम दोबारा भी करते हुए तुमने 4,000 रुपए मांगे. नहीं मैडम मैंने यहाँ तक कि उन्होंने 2,000 रुपए केवल पे किए थे. मैंने उसमें से सामान दिया था पूरा, ई कॉलर दिया था मैंने, इसके अलावा इंजेक्टेबल दिया था मैंने. अगली दफा भी तुमने पैसे मांगे. पहली दफा भी तुमने 2,000 रुपए लिया, अगली दफा भी तुमने 4,000 रुपए लिए और तुमने बर्बाद किया उस कुत्ते को. नाउ आई एम गिविंग यू एन ऑप्शन.
मैडम सुन लो, मैं क्रिमिनल केस तुम्हारे खिलाफ खुद फाइल कर रही हूँ, मैं वेटनरी काउंसिल खुद तुम्हारे खिलाफ जा रही हूँ, और अभी मैं डॉक्टर उमेश शर्मा से बात करके तुम्हारे ऊपर एग्जेम्पलरी एक्शन ले रही हूँ, मैं कलेक्टर से बात करके अभी तुम्हारी क्लिनिक पर ताला लगाने वाली हूँ। तुम्हारे पास चॉइस ये है कि जो अभी तक 70,000 रुपए लगे हैं उसके वेरियस ऑपरेशन में, वो सब का सब पैसा आप उनको देंगे। अब आप इस पर हाँ या ना बोलते हैं? मैं बात करता हूँ। किससे बात करोगे हरामजादे? मैं अभी अभी कलेक्टर से बात करने वाली हूँ 5 मिनट में। मैडम मुझे मौका तो हाँ या ना? तुम वेट चार आने के 2 टके के लोग, ऑपरेशन करना नहीं आता, चीप चीप इस्तेमाल करते हो हर चीज, पैसे लेते हो हजारों में। मैडम ऐसा और नहीं, उसके ऊपर से एक नहीं 2 दफा उस बिचारे के ऊपर अभी मैडम, उसके 5 ऑपरेशन हो चुके हैं। अब ये बताइए मैडम, 5 ऑपरेशन आप बता रहे हैं, और क्योंकि यहाँ कह रहे हैं कि जो जो जिस तरीके से इंटेस्टाइन्स आ गए थे, वो सारे इंटेस्टाइन्स अब बेहद इन्फ्लेम्ड है, इन्फेक्शन लग गया, क्योंकि इतनी 2 दफा वो निकल चुके थे, 2 दफा तुम्हारी वजह से हरामजादे, तुम्हारी वजह से। डॉक्टर अपने आप को कहते हो, मानने के लिए तैयार नहीं हो कि गलती तुमने की। मैडम पता नहीं और कितने जानवरों को तुमने बर्बाद किए। कभी आज के कभी, बाद मैं कलेक्टर से अभी बात करने वाली हूँ तुम्हारी क्लिनिक को बंद करवाने के लिए, समझे? आई विल नॉट लेट यू प्रैक्टिस इन आगरा, क्या इन हिंदुस्तान। और अभी मैं उमेश शर्मा से बात करने वाली हूँ, तुम्हारे जैसे चोर बदमाश चक्कू है ही नहीं। अब यह बताओ कि अभी तक आई वॉन्ट दैट मनी सेंड टू देम, स्टूडेंट है वो लड़का, मैं जानता तुमने हूं। उनको लूट लूट करके तबाह किया। यू विल सेंड देम द मनी बाई चेक राइट नाउ, डू यू अंडरस्टैंड? Do you understand that? जितना लोगों को लूट करके कमाया है वो तुम उनको भरोगे? मैडम मैडम ऐसा नहीं है, मुझे भी 70 साल यहाँ पे प्रैक्टिस करते हुए हो गया, ऐसा नहीं है कि मैं कोई पैसे दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। और कंज्यूमर कोर्ट में तुम्हारे ऊपर केस लगाने वाले हैं, वो FIR फाइल करने वाले, तुम जेल तो जाओगे ही, और कंज्यूमर कोर्ट में 5 लाख रुपए वो मांग रहे हैं। अब या तो वो इसको 70,000 देकर के खत्म करो, या तो 5 लाख तुम्हारे सिर पर आने वाला है। और क्योंकि मैं इनके पीछे हूँ, मैं तो रुकूंगी नहीं जब तक नहीं, तुम मैडम मैंने मैंने ऐसा कुछ, अब मैं आपको जनरली क्या, आप मैडम सुनना नहीं चाहते हो तुमने मैंने सुन लिया है, मैंने सुन लिया है, मैंने सुन लिया, मैंने तस्वीरें देखे हैं, मैंने सब कुछ देखा। अगर तुम एक दफा बोलते कि मेरे पास मेरे से गलती हो गई तो मैं शायद माफ भी करती, लेकिन हरामी तुम अभी तक बोल रहे हो नहीं मैंने ई कॉलर लगा दिया, मैंने ई कॉलर, ई कॉलर से क्या मतलब है भाई? उसके इंटेस्टाइन्स निकल रहे हैं, उसका जबान नहीं निकल रहा है, हाइपर एक्टिव है, हाइपर, अगर वो हाइपर एक्टिव भी है तब भी उसके स्टिचेस नहीं निकलते, दुनिया भर के रॉटवाइलर्स के हम लोग करते हैं और रोज के रोज। डॉक्टर नेहरू ने भी कहा कि इससे गंदा ऑपरेशन उन्होंने कभी देखा नहीं। मैक्स वेक्स ने कहा कि पता नहीं जिंदा कैसे है कुत्ता। अब तुम वो 70,000 रुपए भरने वाले हो मैक्स में या नहीं? मैं बात करता हूँ। किससे बात करोगे हरामी? मैं नहीं, किससे बात करोगे? क्या बकवास करी जा रहे हो? मैं बात करता हूँ अभी, मैं कॉल करता हूँ। मैं अभी बात करता हूँ। किससे बात करोगे? किससे बात करोगे? मैं डॉक्टर नेहरू से बात कर रहा हूँ, उन्होंने भी ऑपरेट किया था। तुम डॉक्टर नेहरू को छोड़ो, मैं पूछ रही हूँ तुमको, आखिरी दफा पूछ रही हूँ, क्योंकि अभी मैं कलेक्टर से बात करने वाली हूँ। तुम जरा मुझे बताओ, मेरे पास तुम्हारा पता है, हेरिटेज टावर नियर अंजना सिनेमा नेहरू नगर, तो तुम यार मुझे बताओ हाँ या ना। अगर तुम हाँ भरने वाले हो तो मैं छोड़ देती हूँ, अगर नहीं भरने वाले हो तो मैं अभी कलेक्टर से बात करके तुम्हारे ऊपर आफत लाती हूँ। मैं फेड अप हो गई तुम्हारे जैसे थर्ड रेट चूतिए लोग। मैडम मैं भी ऐसा नहीं, MBBS ही हूँ मैं। तो मैं एक चूतिया हो जो गलती से इसमें आए, तो बाप जरूर होगा किसी का, ड्राइवर या माली। तुम लोग आते हो फर्स्ट जनरेशन एजुकेटेड, कभी सीखते कुछ हो नहीं। मैडम मैं तुमको सीखना आता है? मैडम फर्स्ट जनरेशन इसका मतलब अगर मैं गाँव का पैदा हूँ मैं, इसका मतलब। और तुमने तुमको आता भी कुछ है नहीं, तुमको आता भी कुछ नहीं, ना तुमने जिंदगी में कभी कोई किताब पढ़ी है, ना तुम किसी से सीखे हुए हो, ना तुम कोई ऑपरेशन जो तुमने 20 साल पहले सीखा था वही चलते आ रहा है। अच्छा। अब तुम बोलो तुमने वो पैसा उनको वापस देना है कि नहीं देना है?
मैडम एक मेरी दफा और तुम हिचकिचाई या तुमने मुझे बोला मैं मैं मैडम सुनूंगा मैं तुम्हें नहीं ओनर से ही सुनूंगा। बात करता हूँ मैं ओनर से क्या बात कर ओनर से बात करता हूँ मैं ओनर से और क्या बात करोगे, ओनर से बात कर लेना, नहीं मैं लेकिन बात कर ओनर से मैं 5 मिनट में तुमको कलेक्टर का भी फोन आएगा और पुलिस आ रही है, ठीक है? तब तक जब तक तुमने पैसे नहीं भरे हैं और तुमने पब्लिकली माफी नहीं मांगी है तब तक तुम्हारा क्लिनिक नहीं चलेगा, ठीक है? तुम्हें मंजूर है कि नहीं है? मैडम मुझे भी हाँ तो या मौका ना? मैडम देखिए मुझे भी तो मौका दी कम से कम मैं बात तो कर लूँ मैं ओनर मैंने से। मौका दे दिया तुमको, तुमने कुछ नहीं बोला, तुमने कहा मैंने एलिजाबेथन कॉलर डाला और कुत्ता हाइपर एक्टिव है और कुछ नहीं बोला। नहीं मैडम ये बताइए जब मैं आपने कहा बिक्रल बिक्रल मैं उसमें ऐसा तो है नहीं है कि मैं ऑपरेट इतना करता हूँ मैं ठीक है ना और सूचर से इन्फेक्शन की वजह से या मान लीजिए लीकिंग की वजह से उसमें अगर टूट जाते हैं तो अब ऐसा नहीं है कि आप मान के चलिए कि उसमें मेरी गलती हो गई। मैं ओनर से एक बार बात कर लेता हूँ मैम। हेलो हेलो बोलो किस हाँ मैं अभी बात करता हूँ मैम। चीज में MBSC हो, जरा मुझे बताओ। मैं अगर पब्लिक हेल्थ में हूँ वेटरनरी पब्लिक हेल्थ हरामजादे पब्लिक हेल्थ में हो, सर्जरी के तो हो भी नहीं, इसका मतलब तुम ये नहीं नहीं नौटंकी नहीं कर रहे हो मैडम सालों मैडम सालों से। मैडम जो वेटनरी ग्रेजुएट होता है कोई भी सर्जरी कर सकता है सवाल ही और नहीं हो, सवाल ही नहीं उठता है। नहीं मैं मैडम अभी ऐसा तुम्हारे नहीं ऊपर इतने तगड़े केस लगाने वाली हूँ तो तुमको तुम्हारे बाप को भी पता चलेगा, समझे? पब्लिक हेल्थ में MBSC हरामी कहीं का, नहीं तो जो मैडम सबसे घटिया होता है वो पब्लिक हेल्थ में ही जाता है, जिसके पास और कोई काम नहीं और हर चीज में फेल है। अब तुम पैसे उनको वापस दे दो, अभी उनसे बात करके पैसे वापस दो एकदम, और चेक भेज दो, नहीं तो मैंने उनको, तुम देख लेना मैं क्या करती हूँ, तुम जरा देखते जाओ। मैंने तुमको छोड़ना तो है नहीं एलन गुप्ता, एक तो तुम पब्लिक हेल्थ के हो, तुम मैडम सर्जरी में हो नहीं, और आज के बाद अगर तुमने किसी के ऊपर सर्जरी की तो तुम देख लेना। तो मैडम जो ग्रेजुएट करते हैं सर्जरी तो उनपे भी तुम एक्सेप्ट होना नहीं कर चाहिए। सकते हो जब तक तुम ये झूठ बोलते रहोगे MBSC, नहीं 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 मैं आपसे ये बात पूछता हूँ मैम जो तुम ग्रेजुएट हैं नहीं कर पीएच सकते हो, नहीं तुम नहीं कर सकते हो। आज के बाद तुम्हारे लिए सर्जरी भी बंद, क्या क्लिनिक भी मैं बंद करती हूँ, अभी अभी कलेक्टर से बात करती हूँ मैं। तुमने पता नहीं कितने लोगों को मारा है, कितने जानवरों को ठगा है अभी तक। मैडम आप गलत कह रहे हैं ऐसा तुम नहीं उनको 70,000 रुपए वापस दो, मैं मैडम इसके लिए बात करता हूँ उनसे मैं 70,000 रुपए तुम अभी वापस दोगे, और अगर मंजूर नहीं है, उनको नहीं मिला चेक उनके बैंक अकाउंट में आज के दिन, तो तुम जरा देख लेना मैं क्या करती हूँ। मैं तुमसे बात बात करके मैं फेडअप हो गई, हरामी कहीं का कुत्ता। मैडम ये गलत बात कह रहे हैं। हेलो हाँ डॉक्टर विकास, हाँ जी मैम मैं श्रीमती मेनका गांधी जी के ऑफिस से बात कर रही हूँ। जी मैम मैडम मैडम आपसे बात करना चाहती है, जी मैम आपके केसेस के बारे में बहुत सारी शिकायत कर रही हूँ, लीजिए मैडम को मैं फोन दे रही हूँ। हेलो, हेलो नमस्कार मैडम। ये तुमने एक कुत्ते का टांग काट दिया था बेवजह, हाँ? नहीं वो नहीं मैम लड़की आई थी अंजलि चौधरी, और वो मैंने देखा तुमने किस तरीके से कटा था हरामजादे, उस पर तो स्टिचेस भी खुल गए, सब कुछ फिर हो गया, उसकी कंडीशन है मरने लायक। मैडम ये कोई तरीका नहीं है एम्पुटेशन का, कोई नहीं है। मैडम मैडम उसका जो एम्पुटेशन किया गया है वो बिल्कुल प्रॉपर जो एम्पुटेशन जैसे होना चाहिए उस तरीके से किया ये गया था। एम्पुटेशन, अच्छा उसके स्टिचेस भी खुल गए हैं, समझ गए? मैम मैं आपको बता रहा हूँ उसका पूरी डिटेल मैं आपको बता रहा हूँ मैडम। मैडम उसके स्टिचेस जो लगे हुए थे बिल्कुल सही लगे हुए थे। फिर एक दिन के लिए ये मैडम अपने घर पे ले गई उसको। हमने उनसे बोला कि आप अपने घर पे ले जा रहे हैं बस इस बात का ध्यान रखना कि ये अपने स्टिचेस खोल ना ले। तो वो बोली कि ठीक है हम अच्छे से केयर कर लेंगे। तो फिर वो ले गई, अगले दिन वो मैडम लेके आई अब हमारे पास डॉग और स्टिचेस उसके खुले हुए थे। और तो तुमने हरामजेबत बोले मेरे पास दवाई नहीं है, बैंडेजेस नहीं है, नहीं नहीं इधर से ले आओ उधर से ले आओ, तुम मैं तुम्हारी लाइसेंस लेकर के रहूंगी, समझ गए डॉक्टर विकास? मैम मैंने ऐसा कुछ तुम बोला एक बदमाश और घटिया, तुम और रत्नेश, तुम्हारे पास डिग्री भी है ऑपरेशन की, सर्जरी की है डिग्री, तुम सर्जन हो? मैम मैंने BBSC एंड AH की हुई है। बोलो मैम मैंने जनरल फिजिशियन एंड सर्जन BBSC एंड AH की डिग्री की हुई है मैडम।
ये BBS HED कोई सर्जन की डिग्री नहीं होती है, समझे चूतिया कहीं का। ये कुत्ता मर जाए तो मैं तुम्हारी अभी लाइसेंस ले लूंगी, समझ गए। उस कुत्ते को लाओ, उसको ठीक करो और अपने पैसों से करो। तुमने ना उसको एंटीबायोटिक्स दिया मैम, दिए गए मैम, दिए गए मैम। मैडम ट्रीटमेंट की सीट भी मैं आपके पास शेयर कर दूंगा, मैंने बिल्कुल प्रॉपर जो ट्रीटमेंट होता है वो ट्रीटमेंट चलवाया हुआ है मैडम। विकास के बच्चे, तुम्हारा पूरा नाम क्या है? मैडम विकास शर्मा। विकास शर्मा, पूरा नाम इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि तुम लोग कलंक हो अपने परिवारों पर। क्या अब तुम ये बताओ, ये कुत्ते को लाओ, संजलि को फोन करो, कुत्ते को लाओ, उसका ट्रीटमेंट करो। अगर ये कुत्ता मरता है तो तुम्हारी लाइसेंस मैं खुद ले लूंगी, समझ लो ना। समझ गए हो हरामजादे? मैडम ओके। अभी अभी मैं शाम को फोन करूंगी, अगर कुत्ता तुम्हारे पास नहीं है, ठीक है, तुमने स्टिचेस खोल दिए, तुमने कोई काम नहीं किया, कुत्ते की कंडीशन वो खाना बंद कर गया है। मैडम मैं पूरी रिपोर्ट्स आपको सौंप दूंगा, आप ड्रिप, खुद... ड्रिप पर डालो हरामी, ड्रिप पर डालो, एंटीबायोटिक्स दो, उसको ठीक करवाओ। मैडम एक तो तुमको कभी कभी काटना नहीं चाहिए था एक पैर। मैडम उसकी कंडीशन पैर की रोटन कंडीशन थी बिल्कुल, और उसमें एम्पुटेशन के अलावा और कुछ किया भी नहीं जा सकता था। और सवाल ही नहीं उठता है, तुमको एम्पुटेशन करना भी नहीं आता है हरामी। मैं अभी तुम्हारी शिकायत करने वाली हूँ कि ना तुम सर्जन होकर के भी तुम सर्जरी कर रहे हो। इतने बदमाश झोले छाप डॉक्टर। मैडम प्लीज, कितने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हो हरामी? मैडम प्लीज, जिस तरीके से बात कर रही हैं उस तरीके से प्लीज बात ना करें। कितने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हो? मैडम मैं पिछले 6 महीने से प्रैक्टिस में हूँ, मेरी डिग्री खत्म हुई है। छह महीने में अब तुमने ये सर्जरी करी? मैडम 5 साल की डिग्री की हुई है मैंने, उसके लिए जनरल फिजिशियन। 5 साल की डिग्री, मैं भी जानती हूँ क्या होता है, तुम इस लाइक ही नहीं हो। ये जो तुमने एम्पुटेशन किया, जो मेरे पास तस्वीरें हैं, कोई डॉक्टर ऐसा एम्पुटेशन कर नहीं सकता, कोई भी नहीं। मैडम जिस तरीके से मैंने एम्पुटेशन उसका किया था, मैंने आपको बताया भी है कि उसका एम्पुटेशन के बाद देख लिया है तुमने क्या एम्पुटेशन किया है। मेरे पास सारे तस्वीरें पहुंच गए और यही तस्वीरों को मैं इस्तेमाल करके तुम्हारा डिग्री वापस। कहाँ से तुमको मिली है डिग्री? मैडम NDVSU जबलपुर। कहाँ? NDVSU जबलपुर। NDVSU जबलपुर जो सबसे घटिया जगह है। तुम्हारा बाप क्या करता है? कोई माली है, चौकीदार है, क्या है? तुम लिटरेट हो भी? प्लीज मैडम, प्लीज मैडम, जहाँ आप बोलो मैं पूछ रही हूँ, मैं सवाल पूछ रही हूँ ताकि मैं ये सब डाल दूँ। माय फादर इज ए टीचर। टीचर है? अच्छा, किस और तुम किस लिए गए इस धंधे में, पैसे कमाने? धंधे में? मैडम मैं डॉक्टर हूँ। हाँ, डॉक्टर तुम तो धंधा ही कर रहे हो ना, क्योंकि तुमने अगर अच्छा मैं तुमको तुमसे और बहस नहीं करूंगी क्योंकि मैं चिट्ठी लिख रही हूँ वेटनरी काउंसिल में। मैं ये कह रही हूँ कि इसी वक्त तुमने उस कुत्ते को लाना है, समझ गए हो? जी मैम। और वो कुत्ते को ला करके शाम तक मुझे रिपोर्ट दोगे? जी मैम। कि क्या है हालत उसकी? अगर कुत्ता मर गया तो तुम्हारी नौकरी गई। जी मैम। तुम सरकारी हो? नहीं मैम। क्या हो? प्राइवेट। कौन किस चीज क्लिनिक का नाम क्या है? मेरी कोई क्लिनिक नहीं है मैडम, मैं यहीं पे जॉब करता हूँ। किधर? यहीं है, एनिमल शेल्टर, सेक्टर 94। सेक्टर 94 में तुम जैसे घटिया लोगों को रखती है। और रत्नेश क्या है? रत्नेश का पूरा नाम क्या है? डॉक्टर रत्नेश यादव। कि तुम दोनों की जाएंगे नौकरियां, खास करके तुम्हारी। लाओ उस कुत्ते को एकदम। जी मैम।